बीजेपी लगातार आदिवासी वोट बैंक को रिझाने की कवायद कर रही है, लेकिन इसी वोट बैंक की हड़बड़ी में उस वक्त गड़बड़ी हो गई जब टंटिया भील के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित कई बीजेपी नेताओं ने मंच पर नाचना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने टंटिया भील के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री सहित बीजेपी नेताओं के डांस पर एतराज जताते हुए इसे टंटिया भील का अपमान बताया। आदिवासियों के नाम पर मध्य प्रदेश में राजनीति चरम पर है। इसका पहला मामला कुछ दिनों पहले भोपाल में दिखाई दिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बिरसा मुंडा की याद में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। और दूसरे मामले में तो बीजेपी ने अपने ही संस्थापक नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को दरकिनार करते हुए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गोंड आदिवासी रानी कमलापति के नाम पर कर दिया। अब टंटिया भील के बलिदान दिवस को भुनाने में भी बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आदिवासियों के रिझाने के चक्कर में एक संवेदनशील मुख्यमंत्री मंच पर नाचने भी लगेंगे, ये उम्मीद ना तो वहाँ उपस्थित आदिवासी को थी ना मीडिया को। अब मुखिया ही नाचेंगे तो बाकी बीजेपी नेताओं को भी जी हुजूरी करना ही पड़ेगी। लेकिन टंटिया भील के बलिदान दिवस पर हुए इस डांस गड़बड़ झाला पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने इसे टंटिया भील का अपमान बताते हुए ट्वीट किया है। राजनीति गिरता स्तर, टंटिया भील के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री का डांस, क्या ये आदिवासी शहीद का सम्मान है? अब जन्मदिन पर रुदन शमशानों में श्रद्धांजलि की जगह डिस्को भी किए जा सकेंगे। शिवराज है तो सब मुमकिन है। कमर न लचकाने पर अन्य मंत्रियों को थैंक्स। संवेदनशील मुख्यमंत्री